और अब कोई बात इसी सिलसिले में पूछें, तीन मिनट है अभी आपके पास। एक भी है मेरे पास कि मैंने पढ़ा था कि हज़रत मुशीर इस्लाम का एक वो फतवा सा एक बन जाता है कि जवाहरात और मकान के ऊपर ज़कात नहीं होगी, तो इसकी क्या वजह है? जब कि एक औरत का सोना है वो इस्तेमाल नहीं करती। इसके अलावा एक फतवा मैंने भी जारी किया हुआ है, वो ये है कि इन मजालिस में फिकी मसाइल ना पूछा करें, बल्कि जो बोर्ड मुकर्रर हैं, एक मुफ्ती साहब मुकर्रर हैं, उनसे पूछा करें पहले, और अगर कोई वाज़ह तयशुदा बात होगी तो वो आपको लिख देंगे अपनी मोहर के साथ। अगर कोई ऐसी बहस हुई जिसमें अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ या दोनों तरफ के मामलात हैं, कुछ इश्तबाहात हैं, तो फिर मजलिस इफ्ता उन पर खूब खूब गौर करती है, सारी मिसालों की छानबीन करती है, फिर वो अपनी सिफारिश मेरे पास भेजते हैं, उस वक्त मैं उस पर हाँ कहूँगा या ना कहूँगा, और अगर ना कहूँगा तो दलाइल दूंगा। क्यों उस ऐसी संजीदा ऐसी अहमियत की बात को रोज़मर्रा की गुफ्तगू की मजालिस में तय करना जायज़ नहीं है, समझ गए?